फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं deliciouspost.net, deliciouspost.net की एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हुई हैं फ्रेंड्स। जैसे कि पिछले वीडियो हमने शेयर की थी HDMI स्प्लिटर के बारे में, जिसमें हम एक इनपुट देते थे HDMI के और वो जो है आपको मल्टीपल आउटपुट देता था। एक ये थी हमारे पास डिवाइस थी और एक ये डिवाइस थी, ठीक है। तो आज अभी जो ये वीडियो है, ये वीडियो इसी को एक्सटेंड करने के लिए हम बना रहे हैं कि HDMI जो स्प्लिटर है इसके साथ हम इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लेट्स सपोज एक डिस्प्ले दो जगह पे दिखाना है, मैं दो जगह की बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये डिस्प्ले दो जगह पे दिखाना है तो आपको क्या करना होगा कि आप HDMI जो स्प्लिटर है वो यूज़ करते हैं और उसके बाद आपने जो है इसकी एक्सटेंडर जो केबल है, HDMI केबल है, वो आपको मिल सकती है मार्केट से। 5 मीटर भी मिल सकती है, 1 मीटर भी मिल सकती है, 10 मीटर भी मिल सकती है, 15, 20, 25 मीटर तक आप उसमें जा सकते हैं अगर आपको कॉपर में चाहिए। अगर लेट सपोज आपकी जो डिस्प्ले जो स्पेस है वो 25 मीटर से ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे आप एक जो डिस्प्ले है वो दूसरी जगह पे दिखाएंगे? तो उसकी तो दो ही ऑप्शंस है। एक या आप क्या करेंगे कि आप उसको वायरलेसली शेयर करेंगे रॉकेट M5 वगैरह या इंटरनेट से यूज़ करके, या स्क्रीन शेयरिंग के जरिए या इंटरनेट के जरिए आप यूज़ करते हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, रॉकेट M5 बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसमें वाईफाई डिवाइसेस इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको ये डिवाइसेस दिखा रहा हूँ ये जिसमें प्योर आपका जो है नेटवर्क केबल इन्वॉल्व होता है। ये नेटवर्क केबल नॉर्मल है, आपने इसमें कॉपर जो ओरिजिनल कॉपर की केबल है, किट 5 किट 6 की जो केबल है, RJ45 इस केबल को कहते हैं, वो आपने इसमें इंस्टॉल करनी है एक पोर्ट 1 और पॉइंट 2 में, ठीक है। जो मेरे पास डिवाइस पड़ी है इसकी जो रेंज है वो है तकरीबन 60 मीटर, लेकिन वो भी आपने कॉपर केबल इस्तेमाल करनी है और कॉपर कनेक्टर, यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इसमें कॉपर और कॉपर होना चाहिए, तो वो अगर आप इसमें लगाएंगे तो आप इससे 60 मीटर तक डिस्प्ले ले सकते हैं। इसके अगर आपने लेट सपोज इससे भी ज़्यादा जो है वो डिस्प्ले लेनी है, लेट सपोज आपको चाहिए 100 मीटर तक, तो वो एक और डिवाइस है जो कि इससे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो आपने इंस्टॉल करनी है, वो तकरीबन आपको मार्केट से मिल जाएगी 18,000 से 20,000 रुपीज़ के बीच। ये जो मेरे पास डिवाइस है इसकी मार्केट जो प्राइस है वो तकरीबन आपको 4,500-5,000 में ये मिल जाएगी। इस तरह के दो जो है हमारे पास एक्सटेंडर हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा दूँ और भी दिखा दूँ, ये देखो किट 5 किट 6 में आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेंडर है और ये जो डिवाइस है ये हमारे पास रिसीवर है, ये ठीक है। आपको क्या करना होगा, सिंपली आपने ये जो RJ45 की जो केबल है जो है कैट 6 की, ये आपने यहाँ पे लगाना है और ये जो है दूसरा पोर्शन आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये जो है रिसीविंग साइड है ये वाला, ये ट्रांसफरिंग साइड है। आपने यहाँ से जो है HDMI जहाँ यहाँ ये वाली जो पॉइंट है ये पॉइंट ए है, जहाँ से आपने चीज़ को शेयर करना है तो आपने वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप इनपुट देंगे, यहाँ से आप आउटपुट लेंगे। इसके साथ आपको दो चार्जर भी मिलते हैं, सेम चार्जर है ये वाला, ये चार्जर है, ये चार्जर मैं आपको इसकी थोड़ी भी और व्यू भी दिखा दूँ। ये जो है 0.3 एम्पेयर का चार्जर है, ठीक है, 220 वोल्ट AC में लगता है और पॉइंट जो है DC में, ये आउटपुट जो इसकी है, आउटपुट जो इसकी है वो है 4-5 वोल्ट और DC 2 एम्पेयर, ठीक है। ये आप देख भी सकते हैं, ये चार्जर आपने इसमें लगाना है, ठीक है। इसको भी अगर ऑन करते हैं तो ये पॉइंट ए पे और दूसरा जो चार्जर है वो पॉइंट बी पे लगाना है। और अगर आपने इसे भी मल्टीपल डिस्प्ले लेनी है तो फिर आपको जो स्प्लिटर था जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया भी है वो यूज़ करके आप उससे भी ज़्यादा फिर डिस्प्ले ले सकते हैं, लेकिन ये इस तरह कनेक्ट हो गए, ठीक है। इसमें आप मैक्सिमम जो है 60 मीटर, मतलब 60 हमने इस लैपटॉप से एक्सटेंड किया है यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्प्ले मैं आपको दोनों जूम करके दिखा देता हूँ, ये एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। इस एक्सटेंडर की वजह से, इस एक्सटेंडर की मदद से HDMI केबल लगाया, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आउट है और ये लाइन केबल हमने लगाई है, ये आप तकरीबन 60 मीटर तक लगा सकते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल कॉपर केबल भी ओरिजिनल कॉपर होनी चाहिए, ये केबल भी ओरिजिनल होनी चाहिए और जो यहाँ पे कनेक्टर है वो भी ओरिजिनल कॉपर ही की होनी चाहिए। देख यहाँ पे,
अब देख सकते हैं HDMI केबल लगा है लैपटॉप से। मैं इसको ज़रा बंद भी करा दूँ, ये देखें, अगर जूँ ही मैं ये केबल निकालता हूँ, ये देखें सर, ठीक है, अब देख सकते हैं जूँ ही मैं ये निकाल देता हूँ डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, देख डिस्प्ले ऑफ हो गई है। फिर कनेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।